नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। देवली उनियारा सीट से निर्दलीय के रूप में ताल ठोकने वाले नरेश मीणा को अब RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का साथ मिल गया है। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने जहां राजकुमार रौत से बात कर नरेश को समर्थन देने की बात कही है, तो वहीं नरेश मीणा ने भी रविंदर सिंह भाटी से समर्थन मांगा है। ऐसे में नरेश मीणा भाजपा और कांग्रेस दोनों की टेंशन देवली उनियारा सीट से बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही झुंझुनू में राजेंद्र गुड़ा, 84 और सलूम्बर में राजकुमार रौत और खीवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल भी दोनों ही प्रमुख पार्टियों को जोरदार टक्कर देते हुए नजर आएंगे। राजस्थान में निवेश लाकर युवाओं को रोजगार देने के मकसद से भजनलाल सरकार राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर रही है, लेकिन इस समिट से पहले ही भाजपा के विधायक इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में पारदर्शिता पर जोर देते हुए बहरोड से भाजपा विधायक जसवंत यादव ने कहा कि ये जो किया है ना, ये लीपापोती है, इससे बात नहीं बनेगी। अगर आप ये कार्यक्रम न भी करते तो व्यापारी अपनी यूनिट एक्सटेंड करते ही करते इस समिट से बाहर से इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सब मेरे भाई लोग बैठे हैं। मैं सबको जानता हूँ, यहाँ मौजूद सभी इन्वेस्टर लोकल हैं। रिक्को के अधिकारियों की सुस्ती के कारण ये काम नहीं हो रहा है। रिक्को अधिकारी अपनी रवैया सुधारे, यही मौका है मुख्यमंत्री का सपना पूरा करने की ओर अपना फोकस करें। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज चूरू के दौरे पर रहे। चूरू में किसान केसरी चौधरी कुंभाराम आर्य की पुण्यतिथि पर प्रतिमा अनावरण और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चूरू जाने के दौरान रास्ते में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। प्रतिमा अनावरण व श्रद्धांजलि कार्यक्रम में PCC चीफ ने किसान केसरी चौधरी कुंभाराम आर्य के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव काफी दिलचस्प हैं, तो वहीं इस सीट पर कांग्रेस का टिकट बेचने के आरोप भी लगने लगे हैं। सांसद हरीश मीणा ने खुद पर लगे रहे टिकट बेचने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं। कांग्रेस के एक बागी नेता नरेश मीणा ने मुझ पर आरोप लगाया है कि टिकट बेचे जा रहे हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो इसके लिए संगठन से सवाल किया जाना चाहिए। प्रदेश में मौसम बदलने के साथ ही लोगों को रात में गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों से रात के तापमान में हल्की गिरावट के साथ ही लोगों को गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है, लेकिन साथ ही बीते 2 दिनों से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने से लोगों को दिन में सूर्य की तपिश भी सताती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर के अंत तक मौसम में ये बदलाव देखना मिलता रहेगा। इसके साथ ही नवंबर के पहले सप्ताह से तापमान में गिरने के साथ ही लोगों को दिन में भी गर्मी से राहत मिलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देशन में जिला पुलिस ने नाबालिग बच्चियों को झांसे में लेकर दुष्कर्म के झूठे मुकदमे दर्ज करवाने के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 जने रामजस धोलीपाल और लालचंद मेघवाल जिले के बड़े दलित नेता हैं। इसमें लालचंद मेघवाल के खिलाफ एक नाबालिगा से दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस संबंध में एक पीड़िता की मां ने 2 दिन पूर्व भी महिला थाने में 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए उनके घोषणा पत्र पर की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। भजनलाल शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा में अंतर है। चुनाव से पहले हमने संकल्प पत्र जारी किया और कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। मैं जनता से कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस सरकारों के पिछले 3-4 चुनावों के घोषणा पत्र देखें और यह भी देखें कि उनमें कितने घोषणाएं पूरी हुई हैं। जबकि विधानसभा चुनाव से पहले हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें से अधिकतर घोषणाओं को हम धरातल पर लेकर आ चुके हैं। फिल्म जगत की क्वीन और BJP सांसद कंगना रनौत सोशल मीडिया के जरिए अक्सर अपने प्रशंसकों को संदेश देती हुई नजर आती हैं। हाल ही में उन्होंने राजस्थान की धरती पर एक अनोखे अनुभव को अपने फैंस के साथ साझा किया है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पोस्ट में चित्तौड़गढ़ किले की तस्वीर साझा की है, जिसकी खूबसूरती में वह डूबी हुई नजर आ रही हैं। प्राचीन कलाकृति को निहारती कंगना ने शांति का अनुभव करती एक तस्वीर भी शेयर की है। चित्तौड़गढ़ के किले के अलावा वह अपने कुलदेवी के मंदिर भी पहुंची, जिसकी झलकियां भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में अपने लोकल नाई से मुलाकात कर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें नाई उन्हें अपने संघर्ष को बारे में बता रहा है।
इस वीडियो के जरिए राहुल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि आज जरूरत है आधुनिक समाधान और नई योजनाओं की, जिससे आय बढ़े और बचत घरों में वापस आए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि ऐसा समाज जहां प्रतिभा को उसका हक मिले और कड़ी मेहनत का हर कदम आपको सफलता की सीढ़ी पर ले जाए, यही हमें चाहिए। पंजाब जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। भगवत मान सरकार ने 2 DSP गुरशेर संधू और सैमर वननीत सहित कुल 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इस मामले में अभी और कार्रवाई होने की संभावना है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई काफी चर्चाओं में आ गया है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।